also download at the 24/7 app. Don't forget to like, share, and subscribe at the 24/7 channel. Also download at the 24/7 app. Don't forget to like, share, and subscribe at the 24/7 channel. Also download at the 24/7 app. Don't forget to like, share, and subscribe at the 24/7 channel. Also download at the 24/7 app. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरएस तिवारी आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल टीशा सट्टा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे भाई, जितने भी मेरे दोस्त इस समय मुझे लाइव देख पा रहे हैं, आप सभी दोस्तों का मैं आरएस तिवारी तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही शानदार होगा। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, उसके बाद हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कुमारी शीतल, प्रदीप कुमार, ज्योति राय ऑफिशियल, कामिनी कौशल, प्रियंका, सोनम ज्वाला, रिया, रागनी प्रजापति, रचना, राधा चक्ति, भा क्या नाम है, अर्मीन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरएस तिवारी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मनीषा तिवारी, नूतन कुमारी, भावना कौशिक, सरिता शुक्ला, जिनी सिंह, आप सभी दोस्तों का मैं आरएस तिवारी तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों में फैला दो इस वीडियो को, उसके बाद हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से मेरे भाई सभी लोग शेयर मार दो एक बार और कमेंट कर दो कि हाँ आवाज़ सही तरीके से पहुँच रही है आप लोगों तक। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी मेरे भाई, जितने मेरे दोस्त इस समय मुझे लाइव देख पा रहे हैं, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। रागनी जी, सुप्रभात, सुप्रभात, हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। जितने भी दोस्त इस समय मुझे लाइव देख पा रहे हैं, आप सभी दोस्तों का मैं आरएस तिवारी तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला। साक्षी राठौर, सोनम ज्वाला, पुष्पा चौहान, अंसारी जी, नाज खान, आप सभी दोस्तों का मैं आरएस तिवारी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वर्षा सिंह भी आ चुकी है, हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी दोस्त एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मेरे भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, उसके बाद हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट करके लाया हूं, जिसमें आज बहुत मजा आएगा और उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से आप चीजें सीख पाएंगे। सभी मेरे दोस्त ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, विक्रांत गहलोत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। सो आर यू रेडी गाइज, अगर सभी लोग रेडी हो तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत कर लें। फिर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग रेडी हो तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करें। यस वी आर रेडी नाउ, एक बार कमेंट करिएगा सभी मेरे भाई, उसके बाद हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। खुश रहिए अशोक कुमार जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, यस वी आर रेडी नाउ, सभी लोग रेडी हो तो। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा, याद रखना। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। ठीक है, सभी दोस्त शेयर करो मेरे भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर करो। चलो ठीक है, जितने मेरे दोस्त कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो यूट्यूब का नया फीचर आया है, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ जितने लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आप कमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज कमेंट आपसे नहीं हो पाएगा, समझ रहे ना। चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, शानदार, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ इस तरीके से। चलिए इस सवाल को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, होमवर्क वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी मेरे भाई। अनीशा राय, ठीक है, बिल्कुल, सेक्शन बी पीआरटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सोनम ज्वाला, जावला, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, यह होमवर्क वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, है ना, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़े, नहीं यार ये तो टीचर जानता ना कौन कैसा है, है ना। बच्चों में तुलनात्मक प्रवृत्ता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, बच्चों में विषय ज्ञान की, नहीं मेरे भाई आपका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बनेगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बी बनेगा। बच्चों की तुलनात्मक प्रवृत्ता की जानकारी जो है ना शिक्षक को प्राप्त हो, द टीचर शुड गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपैरेटिव प्रोफिशिएंसी ऑफ द चिल्ड्रन, ये टीचर को लेना है ना। टीचर जानता है कि एक्स अच्छा पढ़ने में है या वाई अच्छा पढ़ने में है, बस ये चीज है टीचर को पता करना है। ये टीचर को जानकारी हो जाती है जब वो मूल्यांकन करता है कि पढ़ने में एक्स अच्छा है या पढ़ने में वाई अच्छा है, उसको इस बात की जानकारी हो जाती है। हाँ बी राइट आंसर होगा। यहां पे बच्चों को जानकारी नहीं मिलती है कौन कौन से अच्छा है, यहां पे टीचर को यह जानकारी मिल जाती है कि एक्स अच्छा है कि वाई अच्छा है कि जेड अच्छा है। ममता द्विवेदी जी गुड मॉर्निंग डियर, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। जितने भी मेरे दोस्त इस समय मुझे लाइव देख पा रहे हैं, सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मेरे भाई अभी देखो 100 तक भी नहीं पहुंचे हम, मैं बढ़िया हूं ममता जी, आप बताएं कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन, ये रहा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या बात है यार। पहला क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने, ये रहा, शानदार तरीके से सारी चीजें हम क्लियर करेंगे यहां पे। क्या बात है यार, राहुल पांडे को कोई बता दो मेरे भाई, क्या बात है, जय महाकाल। जल्दी से कमेंट करके बताओ, शब्द गणितीय उपकरण को संदर्भित करता है, गणितीय उपकरण को कौन सा, सूत्र और अवधारणाओं, ग्राफ पेपर, बिंदीदार शीट आदि के आधार चार्ट, सूत्र और अवधारणाओं, ये तो इसमें नहीं आएगा मेरे भाई, ये कोई चीज थोड़ी नहीं होती है। उपकरण, उपकरण जो होते हैं मेरे भाई वो 3D फॉर्म में होते हैं। आगे देखना, कैलकुलेटर शासक, याद रखना मेरे भाई, कैलकुलेटर शासक, शासक को रूलर कहते हैं, टेप उपाय, प्रोटेक्टर, कंपास इत्यादि, याद रखना। कौन सा आंसर यहां पे होगा, आपका आंसर सी करेक्ट आएगा। भाषा, लिखित प्रतीक, सार्थक निर्देशों सहित सभी प्रकार की सामग्री, अपना उद्देश्य स्थापित करें, मतलब कौन सा किस उद्देश्य के लिए है, यहां पे अपना उद्देश्य स्थापित करना यहां पे क्या होता है, जरूरी होता है, याद रखना। तो भाषा में भी हो सकता है, लिखित प्रतीक भी हो सकते हैं, सार्थक निर्देश सहित, सार्थक निर्देश सहित सभी प्रकार की सामग्री, अपना उद्देश्य जो स्थापित करते हैं, मतलब जो अपना उद्देश्य स्थापित करें कि ये किस चीज के लिए है, ये किस उद्देश्य के लिए है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, गणितीय उपकरण कहते हैं, यानी कि मैथमेटिकल डिवाइस कहते हैं मेरे दोस्त, हमेशा दिमाग में रखना। सी, ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग लैंग्वेज, रिटन सिंबल्स, मैग्नीफुल इंस्ट्रक्शंस, है ना, एस्टेब्लिश डियर पर्पज, जी हाँ मेरे भाई, पहले का आंसर यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्या बात है, इस क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे, इस क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देंगे सभी मेरे भाई। सेशन को लाइक करो, शेयर करो मेरे भाई, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैला दो। जल्दी से कमेंट करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती हो गई तो भैया हां, अनौपचारिक कटौती को क्या कहते हैं, निगमन कहते हैं, अनौपचारिक निगमन। चलो जल्दी से कमेंट करके बताएं इस सवाल का आंसर क्या होगा। इंग्लिश भी दे रहा हूं, इंग्लिश भी दे रहा हूं डियर, देखो चतुर्थ श्रेणी में चतुर्भुज को समझने में इकाई, इन गुणों के आधार पर व्यायाम के बाद पेपर फोल्डिंग गतिविधि उपयोग करते हुए कोण चतुर्भुज की संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम पेश किए जाते हैं। इस स्तर पर कोण संपत्ति प्रमाण नहीं दिया गया है,
क्योंकि छठी कक्षा के छात्र वन हाईले स्तर पर हैं। वो किस स्तर पर हैं मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये होता है वन हाईले, जीरो एक दो तीन और चार, इस पर विजुअलाइजेशन होता है। तो ये पहला तो है नहीं, अनौपचारिक निगमन इस पे होता है। आपका आंसर सही कौन सा आएगा? दूसरा आएगा, याद रखना मेरे भाई, यूनिफॉर्मन अनऑफिशियल, याद रखना इनफॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं इसको, इनफॉर्मल डिडक्शन आपका राइट आंसर होगा। इन द फोर्थ सेक्शन द यूनिट अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एंड एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज इज फॉलोड बाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू द एंगल प्रॉपर्टी एंड क्वाड्रिलेटरल यूजिंग द पेपर फोल्डिंग। देखो मेरे भाई, पेपर फोल्डिंग जो होता ना, पेपर को फोल्ड करके वो क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो इनफॉर्मल डिडक्शन कर रहा है, अनौपचारिक निगमन कर रहा है। जब वो पेन और पेंसिल की सहायता से पटरी को साथ में लेके, स्केलर या रूलर को साथ में लेके उसको पूरा ड्रॉ करता, तो ये फॉर्मल डिडक्शन होता। कहने का मतलब उसको औपचारिक निगमन कहते हैं, लेकिन वो पेपर ऊपर लेके ऐसे मोड़ के बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम? इनफॉर्मल डिडक्शन कहेंगे, याद रखना इनफॉर्मल डिडक्शन करेंगे। वैन हिले, देखो मेरे भाई, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वैन हिले का जो ज्यामितीय चिंतन है ये होता है जीरो। यहां पर बच्चा विजुअलाइजेशन करता है, सिर्फ देखता है ना। यहां पे बच्चा क्या करता है? विजुअलाइजेशन करता है, सिर्फ देखता है। यहां पे बच्चा क्या करता है? यहां पे बच्चा एनालिसिस करता है ना, दिखावट के आधार पे क्या करता है, उनकी एनालिसिस करता है ना। उसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर इनफॉर्मल डिडक्शन। जैसे इसने कहा पेपर वगैरह फोल्ड करके वो बनाने की कोशिश करता है, तो ये इनफॉर्मल डिडक्शन हो गया। फिर आता तीसरे नंबर पे फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन का मतलब ये होता है कि वो सही नियम सही रूल की सहायता से उसको निगमित करे, है ना, पेपर ऊपर फोल्ड करके नहीं, पेन पेपर की सहायता से उसको करे, तो इसको क्या बोलते हैं हम? औपचारिक निगमन। और लास्ट में होता है चार नंबर, यहां पे रिगर बोलते हैं इसको, और रिगर का मतलब होता है उसके अंदर दृढ़ता आ जाती है। जब दोस्त दृढ़ता आ जाती है तो वो इस समय क्या कर सकता है, बिल्कुल इसको दिमाग में रखिएगा, वह व्यक्ति इस समय रिसर्च कर सकता है, याद रखना। समझ गए ना हमारी बात? बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर यू। आराम से करो यार, वैन हिले की थ्योरी बहुत कठिन नहीं है। देखो सबसे पहले आता है जीरो, जीरो पे सिर्फ वो विजुअलाइजेशन करेगा, फिर आता है एक, एक पे एनालिसिस, दो पे अनौपचारिक निगमन, तीन पे औपचारिक निगमन, चार पे दृढ़ता। उत्कर्ष तिवारी, लगवा ली मेरे भाई, आप लोग भी लगवा लो, इस सवाल का आंसर करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर यू। क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर देंगे सभी मेरे भाई। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। नहीं मेरे भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, ये तो गलत हो गया। यहीं आगे देखो क्या है, दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य होता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि मान लो दो अभाज्य संख्याएं हैं, एक अभाज्य संख्या ले लो तीन, एक अभाज्य संख्या ले लो पांच, दोनों को जोड़ोगे तो क्या अभाज्य मिलेगा? नहीं मेरे भाई, भाज्य मिल गया। तो दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा, याद रखना हमेशा अभाज्य होती है, यह गलत हो गया। एक मिश्रित संख्या विषम हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, मिश्रित संख्या विषम हो सकती है। मिश्रित संख्या का मतलब यह है मेरे भाई, जैसे मान लो हम कुछ भी करते हैं इस तरीके से, मिश्रित संख्या मान लो हम 21 ले लेते हैं, 21 को क्या करेंगे, 7 गुणे 3 लिखेंगे, 7 × 21। तो एक मिश्रित संख्या विषम हो सकती है, तो मिश्रित संख्या विषम तो है ही। बिल्कुल आपका आंसर यहां पे सी आएगा, कोई अभाज्य संख्या नहीं है मेरे भाई, बहुत अभाज्य संख्याएं हैं। आपका सही आंसर यहां पे सी होगा। अ मिक्स नंबर कैन बी ऑड, एक मिक्स नंबर जो है वो क्या हो सकता है,
ऑट हो सकता है आपका राइट आंसर यहां पे कौन सा आएगा सी सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर माय डियर फ्रेंड आपका सही आंसर यहां पे जो बनेगा कौन सा बनेगा सी बनेगा दिमाग लगाइए थोड़ा सा रूल को अपने दिमाग में रखिए याद रखना पहला ऑप्शन था एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है बिल्कुल नहीं दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो अभाज्य संख्याओं का योगफल हमेशा अभाज्य होगा गलत बात है वो भाज्य भी हो सकता है अभाज्य भी हो सकता है उसके बाद एक मिश्रित संख्या विषम हो सकती है जी हां बिल्कुल एक मिश्रित संख्या विषम हो सकती है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी का भैया लाइक कर दो शेयर कर दो भाई लोग जितने भी दोस्त इस समय मुझे लाइव देख पा रहे हो जल्दी से सेशन को लाइक करो शेयर कर लो है ना कंफ्यूजन मत करिए अदिति सिंह कंफ्यूज मत होइए मैं बार बार बता रहा हूं आपको चलिए क्वेश्चन नंबर चार का आंसर बताएंगे जल्दी से लगवा लो मेरे भाई सानू एसएमटी मेरे भाई इसने कहा हमेशा हमेशा शब्द गलत कर गया सानू भाई हमेशा शब्द गलत कर गया हमेशा नहीं होता है जैसे आपने मान लिया 3+2=5 कर दिया ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य लेकिन 3+5=8 तो ये तो भाज्य हो गया ना तो हमेशा कहां हुआ चलो सेशन को शेयर करो भाई लोग सभी लोग कह रहा ना क्लास 4 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें पूर्णांक की एक जोड़ी लिखें जिसका योग ऋणात्मक पूर्णांक देता है उपरोक्त प्रश्न संदर्भित करता है क्या संदर्भित करता है अरे भैया हम कोई भी लिख देंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन याद रखना रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास 6 टेक्स्ट बुक राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हूज सम गिव्स अ नेगेटिव याद रखना मेरे भाई नेगेटिव इंटीजर देता हम कुछ भी लिख देंगे यार हमारे पास है अथॉरिटी हम कुछ भी लिख देंगे इसमें तो ऐसा नहीं कहा राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर एक पेयर का इंटीजर मतलब एक इंटीजर का पेयर लिखना है जिसका सम जो है नेगेटिव इंटीजर दे चलो हमने 5 -5 में +4 जोड़ दिया -3 में +1 जोड़ दिया -8 में +7 जोड़ दिया अरे मेरे भाई यहां भी नेगेटिव आएगा यहां भी नेगेटिव आएगा यहां भी नेगेटिव आएगा हम क्या करेंगे हम दो ऐसे इंटीजर्स ले लेंगे कोई भी दो ले लो जिसको जोड़ने पर नेगेटिव आए तो हम ऐसे बहुत सारे पेयर्स बना सकते हैं अगर ऐसा लिखने को बोले तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है इसको हम खुले अंत वाला प्रश्न कहते हैं बच्चे अपने मन से दे देते हैं आंसर मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं ओपन एंडेड यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ये बता दो मेरे भाई गणित सप्ताह मनाने की घोषणा के गणित का मतलब क्या है जल्दी से कमेंट करके बताओ ये इंपॉर्टेंट है भाई इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए स्कूलों में गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की तो गणित का मतलब क्या है जल्दी से कमेंट करके बताओ इस गणित का मतलब क्या है क्विकली कमेंट फास्ट गणित का फुल फॉर्म बताएं क्या बात है बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दोस्तों आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं याद रखिएगा सीबीएसई ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए स्कूलों में गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की गणित का मतलब है जानते हो क्या ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशंस एंड ट्रेनिंग आपका सही आंसर यहां पे कौन सा आएगा ए आएगा आपका ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशंस एंड ट्रेनिंग याद रखना मेरा भाई ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी नहीं होती मेरे भाई ट्रेनिंग कराया जाता है स्कूल में याद रखना तो इसलिए आपका सही आंसर यहां पे कौन सा होगा ए आपका बिल्कुल सही सटीक आंसर बनेगा ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स आपका सही आंसर कौन सा आएगा ए आएगा
हाँ याद रखना, एबिलिटी नहीं एप्टीट्यूड, ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशंस एंड ट्रेनिंग, ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, आपका सही आंसर। हाँ बिल्कुल, इसको दिमाग में रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बताएं। एक शिक्षार्थी छटाई में कठिनाई, छटाई मतलब छांटने में, कोई चीज अलग करना, जैसे कोई कहा जाए इसको छांट के अलग अलग कर दो, पैटर्न को पहचानने में, संख्या और आकृति को उन्मुख करना, समय और माप को बताना मुश्किल, डॉट डॉट है इसके बाद, के साथ डिसकैलकुलिया हो सकता है, किसके साथ डिसकैलकुलिया हो सकता है मेरे भाई। अब जाहिर सी बात, अगर पैटर्न को पहचानेगा नहीं तो याद रखना मेरे भाई, यहां पे कौन सा आंसर आपका हो सकता है, बी होगा या सी होगा या ए होगा या डी होगा, कौन सा होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएं मेरे भाई। डिसकैलकुलिया तो उसके है ही, डिसकैलकुलिया मेरे भाई तो उसको है ही, लेकिन उसके साथ क्या हो सकता है मेरे भाई, उसके साथ दृश्य हो सकता है, स्मृति याद करना, मेमोरी का कोई मतलब है नहीं यहां पे। आगे है गतिक समन्वय या स्थानिक कौशल, स्थान से कोई मतलब नहीं, आपका आंसर सी हो जाएगा, याद रखना। विजुअल डायनेमिक कोऑर्डिनेशन, विजुअल डायनेमिक कोऑर्डिनेशन वो नहीं कर पा रहा है, विजुअल डायनेमिक कोऑर्डिनेशन के साथ उसे डिसकैलकुलिया हो सकता है, आपका सही आंसर यहां पे कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, याद रखना मेरे भाई। वो क्या क्या, अ लर्नर मे हैव डिसकैलकुलिया विद द डिफिकल्टी इन सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में डिफिकल्टी आती है, याद रखना। तो विजुअल तो है ही, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, पैटर्न को पहचानने, ओरिएंटिंग नंबर एंड फिगर्स, टेलिंग टाइम्स एंड मेजरमेंट्स, जी हाँ मेरे भाई। तो विजुअल डायनेमिक कोऑर्डिनेशन और इसके साथ उसको डिसकैलकुलिया हो सकता है, याद रखना मेरे भाई, सी आपका राइट आंसर आएगा, बिल्कुल याद रखना, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर बताएं, क्वेश्चन देखो मेरे भाई, आंसर छांटने पड़ते हैं कि कौन से सही है और कौन से गलत है, जल्दी से कमेंट करके बताएं इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर सात का आंसर बताएंगे सभी मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर सात का आंसर बताएंगे, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा कर रहे हो सभी लोग, जल्दी से कमेंट करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा भाई। जिनके लोगों का भी गलत हुआ है इसको यार नोट करते जाइएगा, अगर नोट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए बार बार आपसे कहता हूं क्वेश्चन को नोट करते जाना, और मेरे भाई इस सेशन को शेयर कर दो मेरे दोस्त, है ना। जितने मेरे दोस्त कमेंट नहीं कर पा रहे हो, वो चैनल पे पहली बार आए हो, तो भैया जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप कमेंट नहीं कर पाओगे। चलो बिल्कुल सही है। तो गणित कक्षा में भाषा के विकास के चार चरण हैं, भाषा के विकास विचार के, यानी कि भाषा के विकास के चार चरण हैं, वो कौन कौन से चरण है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रतिदिन की भाषा, गणित की स्थिति भाषा, गणित की समस्या को हल करने की भाषा, प्रतीकात्मक सबसे लास्ट में आएगा, बस ये चीज दिमाग में रखिएगा, प्रतीकात्मक सबसे लास्ट में आएगा। तो याद रखना, या तो आपका बी होगा या तो सी होगा, क्योंकि प्रतीकों का गणित की स्थिति भाषा नहीं, गणित की स्थिति भाषा पहले आएगी, आपका आंसर यहां पे कौन सा आ जाएगा, बी, बी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, बी आपका सही आंसर होगा। देख लो मेरे भाई, देयर आर फोर स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ मैथ क्लासरूम, कौन सा, याद रखना मेरे भाई, बी वाला राइट आंसर होगा। पहले क्या, एवरीडे लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं, उसके साथ मैथ सिचुएशन लैंग्वेज, क्योंकि मैथ में जब सिचुएशंस आती है वहां पे कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, उसके बाद मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज आती है, फिर सिंबॉलिक लैंग्वेज आती है, सिंबॉलिक लैंग्वेज आती है, बी आपका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। अब खुद दिमाग लगाओ यार, ये रीजनिंग है, ये कोई गणित नहीं है, आपको कोई सिखा देगा पढ़ा देगा आपके दिमाग में इंजेक्शन लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं,
याद रखना मेरे भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज बाद में आएगी, पहले मैथ सिचुएशन लैंग्वेज आएगी। एवरीडे लैंग्वेज तो सही है, सिंबॉलिक सही है, ये दो जगह हमें मिल रहा है, बीच में क्या आएगा वो चीज देखना है। तो सबसे पहले मैथ सिचुएशन याद रखना, गणित की स्थिति भाषा, गणित की स्थिति भाषा, उसके बाद गणित की समस्या को हल करने की भाषा, लास्ट में आएगी कौन सी, प्रतीकात्मक भाषा। क्लियर है, याद रखना, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, मजा आएगा निश्चित तौर पे। समझ में आ रहा मेरे भाई, सभी लोग शेयर मारो एक बार, जल्दी से सेशन को शेयर करो, जितने भी दोस्त इस समय मुझे लाइव देख पा रहे हो जल्दी से सेशन को शेयर करो। हां देखो यार, सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर करो एक बार, जितने भी दोस्त इस समय मुझे लाइव देख पा रहे हो जल्दी से सेशन को शेयर करो एक बार, सेशन को शेयर करो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर बताएंगे। हां आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ है मेरे भाई, रोज आसान आसान ही करोगे, टफ नहीं करोगे, इसीलिए तो बोला 300 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, 300 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, यह मेरा वादा है। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर बता दो। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखना लगभग होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखना लगभग होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर, क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर कौन सा आएगा। हां आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर बताओ सभी लोग। क्या बात है यार, केवल तो काट दो तुम्हें, गणितीय अवधारणाओं और तार्किक, ये देखो तार्किक आपने पकड़ लिया, आंसर दे दो। गणितीय अवधारणाओं यानी ग्रेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लॉजिकली, याद रखना मेरे भाई, आपका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गणितीय अवधारणाओं और तार्किक रूप से समस्याओं को हल करने में उनके अनुप्रयोगों की समझ प्राप्त करना, याद रखना ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एमपीटेट में भी यहीं से आएगा मेरे भाई, सीटेट एमपीटेट रीट, ये तीन जगहों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, सीटेट एमपीटेट और रीट। जी हां मेरे भाई, फिर से मैं बता रहा हूं, सीटेट एमपीटेट और रीट, ये तीन जगहों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन ये। हाँ इसमें सब लोग फंसते हो मेरे भाई, इसीलिए तो कह रहा हूं यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो यार, 200 प्लस पहुंचा दो मेरे भाई एक बार जल्दी से, ठीक है। शानदार, ये आज पांचवी क्लास है कि छठवीं क्लास, देखो मेरे भाई 77% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, Y256 हमारा कोड हम लगाना पड़ेगा, Adda247 का ऐप इंस्टॉल कर लो, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, Y256 हमारा कोड लगाओगे तो आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि मानसून सिलेक्शन उत्सव चल रहा है जिसमें आपको राजस्थान का रीट बैच मिल जाएगा जो कि 16 तारीख से शुरू हो रहा है, थोड़ी सी चेंज हो गई क्योंकि सीटेट का शायद चेंज होने वाला है सिलेबस, सीटेट भी 16 तारीख से आ गया है, जबकि यूपी टेट और सुपर टेट का बैच स्टार्ट हो चुका है। इन बैचेस को लेने के लिए, परचेज करने के लिए आज ही Adda247 का ऐप इंस्टॉल करें, Y256 हमारा कोड लगाएं, 77% का फ्लैट डिस्काउंट आपको यहां से मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे सभी मेरे भाई। क्या बात है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, इसीलिए थोड़ा सा सीटेट के बैच को आगे बढ़ाया गया है। सीटेट के बैच को इसीलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है ताकि वो नया सिलेबस की जानकारी अगर हो जाएगी तो हम लोग बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको मैटर दे पाएंगे, मजा आएगा। जाके चेक कर लो सोनिका जी, क्वेश्चन पढ़ो और लागू करो भैया, यहां कोई ट्रिक नहीं है, यहां कोई रूल नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको बता रखे हैं पहले से। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर देंगे सभी मेरे भाई। क्या बात है यार, लगभग सभी लोग सही आंसर दे रहे हो। छठी क्लास के छात्रों को ज्यामिति कक्षा में शिक्षक ने कोण के निर्माण और समद्विभाजक
के प्रदर्शन की सहायता से 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री मापने वाले कोणों के निर्माण करने की व्याख्या। फिर उसने छात्रों से 15 अंश का कोण और 45 अंश का कोण बनाने को कहा। इस बिंदु पर यह शिक्षक के इरादे को दर्शाता है, जोखिम देता है, ऐसा नहीं है। योगात्मक समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है, योगात्मक मूल्यांकन में और शिक्षार्थी के प्रदर्शन का आकलन करें, ये नहीं है मेरे भाई। दिए गए कार्य को पूरा करने की छात्र की समझ और दिए गए कौशलों को, जी हाँ मेरे भाई, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। सी बहुत बढ़िया यार, सभी लोगों ने ऐसे ही आंसर देना मेरे भाई, ऐसे ही मेरे शेर हो यार आप सभी लोग, बिल्कुल मेरे शेर हो मेरे भाई, बिल्कुल यही है। दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए छात्रों की समझ और कौशलों को संयोजित करने की क्षमता का आकलन करें, यानी कुछ बताया फिर वही करने के लिए बोला, तो याद रखना आपका सही आंसर यहां पे सी हो जाएगा। असिस्ट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द एबिलिटी टू कंबाइन द टू स्किल्स टू कंप्लीट द गिवन टास्क। याद रखना मेरे भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना? बिल्कुल 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 कह रहे हो, सही कह रहे हो शानू भाई, है ना। सिलेबस चेंज हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इसीलिए हमने थोड़ा सा सीटेट के बैच को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं। 16 तारीख से नया बैच आ रहा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल न के बराबर फी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे सभी मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे सभी मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे, बहुत बढ़िया शानदार। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, लाइक एंड शेयर करते रहो भाई लोग। देखो हो सकता है चेंज हो या ना हो, वो तो बात की बात है, लेकिन आप तैयार रहो, इस सवाल का आंसर करो। पाठ्यक्रम ढांचे में गणित की शिक्षा का स्थान जुड़वा चिंताओं पर आधारित है, कौन कौन सी चिंताओं पर आधारित है जरा बताएंगे मेरे भाई, याद रखना। पहला, स्कूल में हर बच्चे को बनाए रखने के लिए गणित में क्या कर सकता है, वह उसमें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। गणित आत्मनिर्भर नहीं बनाता मेरे भाई। छात्रों को अंक में सुधार के लिए गणित की शिक्षा क्या कर सकती है और या क्या कर सकती है? परीक्षा और यह उच्च कक्षाओं में सही स्ट्रीम चुनने, नहीं स्ट्रीम की कोई बात नहीं होगी। गणित शिक्षा हर बच्चे के संचार कौशल को, संचार नहीं बढ़ाती है गणित की शिक्षा। प्रत्येक छात्र के दिमाग को जोड़ने के लिए गणित की शिक्षा क्या कर सकती है और यह छात्रों के संसाधनों को कैसे, जी हाँ डी आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा, आपका सही आंसर यहां पे डी होगा। याद रखना, द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन द करिकुलम फ्रेमवर्क इज बेस्ड इन ट्विन कंसर्न्स, कौन सा ऑप्शन है यहां पे? डी। व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन डू द इन एंगेज द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड हाउ इट कैन स्ट्रेंथ द स्ट्रेंथ द स्टूडेंट्स रिसोर्सेज, आपका डी यहां पे राइट आंसर आ जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा मेरे भाई। याद रखना, प्रत्येक छात्र के दिमाग को जोड़ने के लिए गणित की शिक्षा क्या कर सकती है और यह छात्र के संसाधनों को कैसे मजबूत कर सकती है, ये जुड़वा चिंताएं हैं। याद रखना कि जो जुड़वा बातें कही हैं, कंसर्न्स कहे गए हैं, किसमें? जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसकी बात कर रहा है। याद रखना, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे सभी मेरे भाई, ये तो आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर बताएंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। चलो ठीक है ज्योति जी, बिल्कुल बताऊंगा। हिंदी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है भाई, हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट इतनी ज्यादा नहीं होती कि आपको परेशानी हो पाए। जल्दी से सेशन को भैया शेयर कर दो यार, 200 के पार पहुंचाओ भाई लोग,
200 के पार पहुंचाओ सभी मेरे दोस्त, जितने भी लोग इस समय मुझे लाइव देख पा रहे हैं सेशन को 200 के पार पहुंचाओ भाई लोग जल्दी से। शराब इस करे, वाह मेरा राइट, क्या बात है, सबका राइट होगा मेरे भाई, सबका राइट होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। देखो सवाल क्या है, कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम में गणित पढ़ाने का लक्ष्य है कि बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। महत्वपूर्ण गणित का अर्थ क्या है, महत्वपूर्ण गणित का अर्थ क्या है याद रखना, महत्वपूर्ण गणित का अर्थ क्या है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, गजब यार, मजा आ गया, कसम से बता रहा हूं मजा आ गया यार। आप लोग ऐसे जवाब दे रहे हो ना, बिल्कुल याद रखना गणितीय खेल और पहेली को हल करना ये बिल्कुल गलत है। सीखी हुई गणितीय तकनीकों का उचित उपयोग समझना भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर यूज ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स लर्न, जो हम मैथमेटिकल टेक्निक्स लर्न यानी कि सीख चुके हैं उसका सही तरीके से उपयोग करना। तकलीमा, तकलीमा जी आपका नाम ले लिया मेरे भाई, बिल्कुल आपका नाम ले लिया। सभी दोस्त एक बार जल्दी से शेयर कर दो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहां पे हो जाएगा बी, बी फॉर बंदर याद रखना। लेकिन इस सवाल का आप लोगों ने बहुत सटीक जवाब दिया है, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, कसम से बता रहा हूं मजा आ गया, शानदार सवाल ये था और अच्छा क्वेश्चन था और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सही तरीके से चीजें क्लियर हो गई होंगी। गजेंद्र सिंह मेरे भाई शेयर कर दो मेरे भाई, जितने भी दोस्त देखो आधी क्लास हो चुकी है लगभग। मुकेश चौहान, शिखा सिंह, ललिता वर्मा, रिया, सुभाष, विजय कुमार, मोहित, सोनी मिश्रा, साक्षी राठौर, गजेंद्र, विक्रांत गहलोत और साक्षी राठौर, बिट्टू भारद्वाज, श्वेता द्विवेदी, बेटा एक बार शेयर मार दो सभी लोग मन से दिल से यार। अगर वास्तव में लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए वर्क करता हूं, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो एक बार ना सेशन को शेयर कर दो यार सभी लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। उच्च प्राथमिक स्तर पर डेटा हैंडलिंग पर केंद्रित है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी दोस्त शेयर कर दो यार दिल से। अब दिल से शेयर नहीं, उंगलियों से करना मेरे भाई, है ना, क्या बात है यार, शानदार, बहुत बढ़िया, गजब, सभी दोस्त शेयर करें एक बार, बहुत बढ़िया। इस सवाल का आंसर करें कामिनी कौशल ले लिया, आपका नाम भी ले लिया, आप भी शेयर करो। स्वराविस बेटा आप भी शेयर करो। देखो डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग जिसे वो क्या कहते हैं पता है, सांख्यिकी वाली बात, केवल केवल वाला तो काट दो, याद रखना डेटा संग्रह, संगठन और इसकी व्याख्या, याद रखना आपका सही आंसर होगा डाटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, जिसे हम डाटा इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, आपका सही आंसर यहां के ये होगा, ठीक है, याद रखना डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डेटा संग्रह, संगठन और व्याख्या। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर डेटा हैंडलिंग पर केंद्रित है, क्या डेटा का संग्रह करना, डेटा का संग्रह करना मतलब आंकड़ों का इकट्ठा करना, है ना, और संगठन बनाना उनका, उनको क्या करना, उनको संगठित करना, कहने का मतलब उनको ऑर्गेनाइज करना और फिर उनकी व्याख्या करना, याद रखना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। हां बिल्कुल तकलीमा जी आपने पहले आंसर दिया, गई भाई इस पानी में, नहीं पानी में नहीं गई मेरे भाई, पानी से निकालो उसको, काहे पानी में जाने दोगे भैंस को, भैंस को नमूनिया हो जाएगा, भैंस को पानी में ना जाने दो, बिल्कुल बाहर निकालो पानी को, पानी से बाहर निकालो भाई। मेरे भाई जितने लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो और देख रहे हो हमारे सेशन को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो तभी आप कमेंट कर पाओगे, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक कमेंट नहीं कर पाओगे। बारह का डी ही था, बारह का डी ही था। चलो थैंक यू, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ सभी मेरे दोस्त,
क्वेश्चन नंबर 13 में अटके हुए हो सभी। अधिगम रटना, रोट लर्निंग याद रखना, ये तो बार बार मैं बताता हूं, कौन सा गणित का समस्या समाधान रणनीति नहीं है, चित्रकारी हो सकती है ना, पेंटिंग हो सकती है, सॉल्व बैक भी हो सकता है, ट्रायल एंड एरर भी हो सकता है। अधिगम रटना नहीं होता, रटना जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। आपका आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हाँ, ये देखो पियाजे की बात आ गई, थोड़ा सा चलो पियाजे की बात करते हैं। थैंक यू गजेंद्र भाई, लेकिन मेरे भाई शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग। देखो अभी सिर्फ 159-160 लोग देख रहे हो, है ना, सभी लोग शेयर करो यार, 200 के पार पहुंचा दो भाई लोग, है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताओ। राधे राधे, जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। देखो मेरे भाई, पियाजे के अनुसार जब बच्चा औपचारिक परिचालन अवस्था में होता है तो उसे पेश करना उचित होता है क्या? हाँ यार, तुम लोग एकदम बिल्कुल बढ़िया, अनुपात और समानुपात, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहां पे डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हेन द चाइल्ड इज इन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इट इज एप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस, जी हाँ मेरे भाई, तब उसे हम रेशियो से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। याद रखना डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। बहुत अच्छा लगता है यार जब आप लोगों के साथ इस तरीके से लाइव इंटरेक्शन होता है ना, मजा आ जाता है यार, कसम से बता रहा हूं सच्ची। सेशन को शेयर करो भाई लोग, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करो। अभी देखो यार, लाइक भी नहीं किए हो सभी लोग, सभी लोग लाइक तो कर दो कम से कम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तभी कमेंट कर पाओगे, क्योंकि YouTube का नया फीचर आया है, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप कमेंट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देंगे सभी लोग। क्या बात है यार, धुआं धुआं। कक्षा 7 के लिए पाठ्यपुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़ें। 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर के पैमाने के साथ एक नक्शा दिया गया है, किलोमीटर में दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? यदि मानचित्र पर 2.5 सेंटीमीटर है, मतलब 2 सेंटीमीटर, देखो 2 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1000 किलोमीटर, अब कह रहा 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा कितना, याद रखना 1250 किलोमीटर, है ना, 1250 किलोमीटर, क्योंकि मेरे भाई 0.5 सेंटीमीटर में 250 किलोमीटर आएगा। तो यह समस्या कौन है, प्रकृति में खोजी गलत, ना समस्या निवारण, ना प्रकृति में अंतः विषय है, ये याद रखना प्रकृति में अंतः विषय है, क्योंकि ये चीज पहले से दी गई है और इसी का हमें यूज करना है, ये चीज पहले से हमके दी गई है और इसको क्या करना है, यूज करना है। जितने लोगों ने डी आंसर दिया था, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये प्रकृति में अंतः विषय है मेरे भाई, कोई बाहर का रूल नहीं लगाना, जो रूल इसने दिया हुआ है उसी रूल का यूज करना है। देखो हमारे सोलंकी सर आ चुके हैं शानदार तरीके से मेरे भाई, सभी लोग शेयर मारो यार, 200 के पार पहुंचाओ, है ना, सोलंकी सर हमारे आ चुके हैं, हाँ ईवीएस के सुपरस्टार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ। थैंक यू सोलंकी सर, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। Which of the following is not a mathematical process? निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसमें नेचर कैसे हो जाएगा, अरे मेरे भाई अंतः विषय का ये प्रकृति है,
अंतः विषय, अरे भैया अंतः विषय क्यों नहीं है, 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर दिया गया है, तो 2.5 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? ये अंतः विषय है कि बाहरी विषय है, पहले ये बताओ। ये इसी के अंदर की बात हो रही मेरे भाई, याद रखना मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, एस्टिमेशन अनुमान लगाना होता है, मेमोराइजेशन संस्मरण नहीं होता है। याद रखना आपका आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा, बी, बी राइट आंसर होगा, डी नहीं होगा। विजुअलाइजेशन होता है, मेजरमेंट होता है, याद रखना आपका सही आंसर यहां पे कौन सा होगा, बी। मैंने आपसे कहा है रोट लर्निंग इज नॉट अलाउड, रोट लर्निंग अलाउड नहीं है, याद रखना, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन में ही आंसर है मेरे भाई, कहीं दूर से नहीं लाना है। इसी में देखो पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनका आंसर उसी में छिपा हुआ होता मेरे भाई, कहीं बाहर से नहीं लाना होता, कहीं दूर से नहीं लाना होता। जो दिया गया है आंसर वहीं पे आपको ढूंढना है, कहने का मतलब यही है। मेमोराइजेशन यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं, ये तो आसान सा सवाल है यार, धुआं धुआं कर दोगे सभी लोग, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका। शानदार तरीके से यार, थाए थाए वाली आवाज आए बिल्कुल दबंग तरीके से, जल्दी से कमेंट करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। सेशन को शेयर करो भाई लोग, सभी लोग जितने लोग इस समय मुझे लाइव देख पा रहे हो प्लीज सेशन को शेयर करो, जितने भी मेरे दोस्त इस समय मुझे लाइव देख पा रहे हो प्लीज सेशन को शेयर करो। अंतिम के 7-8 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़े से तेज चलेंगे अब, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या बनेगा भाई लोग। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ इस तरीके से है ना रट्टा मारना, याद करना मेरे भाई, ये कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं है, याद रखना ये बड़ा आसान है। अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 स्कूल मैथमेटिक्स टेक्स प्लेस इन अ सिचुएशन वेयर, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित ऐसी स्थिति में होता है जहां डी राइट आंसर होगा, मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, याद रखना गणित बच्चों के जीवन का अनुभव का एक हिस्सा होता है। यहां पे डी आपका राइट आंसर हो गया, ये किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, एनसीएफ कहता है कि गणित को बच्चों के जीवन का हिस्सा बना दो, गणित को बच्चों के जीवन का एक हिस्सा बना दो। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देंगे सभी मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ इस सवाल का आंसर मेरे भाई, शेयर मारो जल्दी जल्दी, जितने भी दोस्त इस समय मुझे लाइव देख पा रहे हो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर मारो, जितने भी दोस्त मुझे इस समय लाइव देख पा रहे हो सेशन को शेयर मारो एक बार जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देंगे सभी मेरे भाई, हां बहुत बढ़िया। देखो यार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब आप लगाएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो वो अपने आप माइंडसेट आपका बन जाएगा, माइंडसेट अपने आप हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। साक्षी राठौर ने डी आंसर दिया, जी हां पिछले का आंसर डी ही था। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे भाई सभी लोग, 18 का क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। इन क्लास 6 टीचर गेव अ टॉपिक फॉर डिबेट एज फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर मोर पावरफुल देन रोमन न्यूमरल्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ FA का मतलब जान रहे हो ना, वही फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। एक्टिविटी इज टू एक्सेस, मेरे भाई एनालिसिस करने को बोल रहा है, जी हाँ डी एनालिसिस करिए, दोनों में से कौन सा बेहतर है, दोनों में से कौन सा बेहतर, एनालिसिस करो और बताओ, एनालिसिस करो। ऑब्जेक्टिव ऑफ ये इस फॉर्मेटिव असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो एनालिसिस था कि बच्चे एनालिसिस करें, विश्लेषण करें कि दोनों में से कौन पावरफुल है, हिंदू अरेबिक है पावरफुल या रोमन न्यूमरल्स पावरफुल है। याद रखना आपका सही आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा, एनालिसिस विल बी योर राइट आंसर, याद रखना। रचनात्मक समाज ज्ञान नहीं होगा, आपका सही आंसर एनालिसिस होगा, कि आपके एनालिसिस करने की औकात को टीचर देखना चाहता है कि आप कितना एनालिसिस कर सकते हो। चलो नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, अरे भाई एनालिसिस करने की बात हो रही है ना मेरे दोस्त, बिल्कुल बोलो श्वतिका कुशवाहा, जल्दी से कमेंट करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे सभी मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि एनालिसिस की बात हो रही है। बच्चा एनालिसिस कितना कर पाता है कि दोनों में कंपैरिजन में एनालिसिस ही तो करना होता है। कंपैरिजन में क्या करते हैं बताओ, कंपैरिजन में एनालिसिस ही तो करते हैं। जैसे मेरे सामने दो बच्चे हैं ए और बी, तो मुझे क्या करना है, दोनों में कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करना तो पहले एनालिसिस करूंगा ना मैं दोनों का, इसका एनालिसिस उसका एनालिसिस, फिर देखूंगा कि कौन सा बेटर है। तो यही तो तरीका होता है और क्या, कुछ कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी ना लाना है कि कोई नई बात यहां पे लाके रख देनी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बात को समझिए, भावनाओं को समझिए, शब्दों में कुछ नहीं रखा, बार बार कहता हूं आप लोगों से। क्या बात है यार, गजब शानदार। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन, यानी गणित की कक्षा में इस पर बल दिया जाता है, गणितीय सामग्री, प्रक्रिया और तर्क। जी हाँ मेरे भाई, जहां तर्क आ गया, जहां पे रीजनिंग लॉजिक आ गई, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो गया, सीधी सी बात है, ए आपका राइट आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं है यार, आगे चलना ही है। गणितीय सामग्री, उसकी प्रक्रिया, गणितीय सामग्री मतलब क्या क्या उसमें यूज करना है, वो सामग्री प्रक्रिया क्या है और उस पर तर्क कैसे बनता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर यहां पर हो गया। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। देखो, अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्काउंट टू द स्टूडेंट फॉर सॉल्विंग। द मार्क्ड प्राइस एमपी ऑफ अ शर्ट एंड स्वेटर आर, शर्ट का जो एमपी है 200 रुपए है, स्वेटर का 300 रुपए है। शर्ट का 200 रुपए एमपी और स्वेटर का 300 रुपए एमपी है। एंड द डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ शर्ट एंड स्वेटर, यानी इस पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और इस पे कितना मिल रहा है, 12% का डिस्काउंट मिल रहा है। वाइल प्रिपेयरिंग द बिल द शॉपकीपर, जब वो बिल बना रहा था, शॉपकीपर इंटरचेंज द डिस्काउंट ऑन दीज आइटम्स बाई मिस्टेक। कहने का मतलब 12% की छूट इस पे दे दी और 20% की छूट क्या करी, इस पे दे दी, 12% और 20% की छूट दे दी। ऑन गेटिंग द बिल हमीदा नोटिस द मिस्टेक एंड पेड द एक्चुअल अमाउंट, मतलब हमीदा को जब वो बिल मिला, उन्होंने देखा कि यहां पे एक्चुअल अमाउंट इतना होना चाहिए था लेकिन इतना हुआ, उसने उसको सही बिल दिया है ना, टू द शॉपकीपर। हाउ मच मनी डिड हमीदा पे टू शॉपकीपर, व्हाट वैल्यू डज द टीचर ट्राई टू प्रमोट थॉट हिज सॉरी दिस प्रॉब्लम। ऑनेस्टी आपका राइट आंसर होगा, ईमानदारी, सीधी सी बात है मेरे भाई, ईमानदारी की बीमारी लग गई थी हमीदा को और कुछ नहीं हुआ था, उसको ईमानदारी करनी थी, उसने ईमानदारी कर दिया। समझ रहे हैं हमारी बात, याद रखना मेरे भाई, वो चाहती अगर हमीदा चाहती तो कम रुपए देके वो दोनों सामान लेके चली जाती, लेकिन उसने एक्चुअल अमाउंट दिया, उसको जितना देना चाहिए था उतना एक्चुअल अमाउंट दिया। क्यों? क्योंकि ये ऑनेस्टी होगा, ईमानदारी आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया सभी को, क्या बात है यार। चलो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देंगे सभी मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, गजब, क्या बात है यार। सेशन को शेयर करो, लाइक करो मेरे भाई, ना तो आप लोग सेशन को शेयर कर रहे हो ना तो लाइक कर रहे हो मेरे भाई, ये बहुत ही गलत बात है। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ विच मेथड इज टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आर रिटन, याद रखना, गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। भैया गणित की अगर कोई भी पुस्तक होगी हमेशा वो सिंथेसिस, याद रखना मेरे भाई। आपको बता दें बुक की हम क्या करते हैं, पता है, बुक की एनालिसिस करते हैं, मतलब
मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका इसका तरीका आपको सिखा दे रहा हूँ कैसे याद रखना है। जैसे कोई बुक आती है हमारे पास, तो हम उस बुक का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उस बुक का विश्लेषण करते हैं। इसका मतलब वो बुक संश्लेषण करके बनाई गई होगी, सिंथेसिस करके बनाई गई होगी। याद रखना, याद रखना, क्योंकि सिंथेसिस अपोजिट होता है एनालिसिस का, सिंथेसिस अपोजिट होता है एनालिसिस का। याद रखना, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई। सिंथेसिस जो होता है वो अपोजिट होता है एनालिसिस का, यानी कि विश्लेषण का जो विपरीत होता है वो संश्लेषण होता है। याद रखना, तो बुक बनाई जाती है, लिखी जाती है संश्लेषण से, फिर उसका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। समझ रहे ना हमारी बात? बहुत बढ़िया, ऐसे। तो आपका राइट आंसर यहां पे ए हो जाएगा, जी हां, सिंथेसिस। आगे लिखो, विच इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, स्टैटिकल, एल्जेब्रा एंड अर्थमेटिक। हां बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी कह सकते हो, एनालिसिस का मतलब तोड़ना और सिंथेसिस का मतलब जोड़ना, तो जोड़ जोड़ के बिल्कुल लाएंगे अजय गिरी, बिल्कुल लाएंगे मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई आप सभी लोग वादा करके जाओ, कल का सेशन 300 प्लस होने वाला है, तब अगर आप लोग वादा करके जाओगे कि सर कल का सेशन 300 प्लस होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कल ऐसा सेशन लेके आऊंगा कि आपने देखा नहीं होगा, लेकिन आपको प्रॉमिस करके जाना है कि सेशन 300 प्लस होगा। विच इज द ओल्डेस्ट अमंग द ब्रांचेस, मेरे भाई अर्थमेटिक सबसे पुरानी है, अंकगणित कौन सी प्राचीनतम शाखा है गणित की, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक सबसे प्राचीनतम शाखा है मेरे भाई, गलती मत किया करो, अंक गणित सबसे प्राचीनतम है, अर्थमेटिक सबसे प्राचीनतम है मेरे भाई। DSSSC का क्रैश कोर्स कल से स्टार्ट हो चुका है, नेचुरल साइंस का बैच 5 तारीख से आ रहा है, क्रैश कोर्स DSSSC मैथ्स का 5 अगस्त से आ रहा है। इन बैचेस में आप एडमिशन लेने के लिए Y256 हमारा कोड लगा लो, 77% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। DSSSC का क्रैश कोर्स और MCQ सेशन स्टार्ट हो चुका है कल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं, बहुत बढ़िया, गजब, जल्दी से कमेंट करके बताएं इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। द टीचिंग मेथड यूज्ड एट द प्रैक्टिकल लेवल ऑफ ज्योमेट्री इज डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, अराइवल मेथड, इनकॉर्पोरेशन। अराइवल को जानते हो क्या कहते हैं, इंडक्टिव कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन, डिडक्टिव लॉ, डिडक्टिव, इसे आगमन कहते हैं, इसे निगमन कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ इस सवाल का आंसर, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, पहले ये तो कंप्लीट करवा लूं यार एक बार। तो मेरे भाई डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आपका राइट आंसर होगा, यहां पे 23 का आंसर यहां पे ए हो जाएगा। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि, तुक्का मत मारो, प्रदर्शन विधि है ना, प्रैक्टिकल लेवल की बात कर रहा है ये, है ना, प्रैक्टिकल लेवल इन द ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल लेवल पे हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करके बच्चों को सिखाते हैं। याद रख लो सभी लोग, प्रॉमिस करो कि कल का सेशन 300 प्लस होगा, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसका बताओ, देखो मेरे भाई आराम से करिए यार, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो मेरे भाई कोई भी प्रयोग जब होता है तो डिमॉन्स्ट्रेशन तो होगा ही, हो जब प्रयोग होगा तो वह डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होगा। सभी मेरे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट करो और बताओ कल का सेशन, क्या नहीं समझते हैं। मनीष मोहन, ध्यान से जब तक क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे भाई गलत नहीं होगा। चलो तकलीमा जी कह रही हैं, सभी लोग मेरे भाई, सभी लोग हमें बताओ यार, प्रॉमिस करो कि सर कल का सेशन
300 प्लस होगा, सभी लोग प्रॉमिस करो कल का सेशन 300 प्लस होगा, बस मैं यही चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस प्रॉमिस करके जाओ। और कल दो चीजों का कॉम्बिनेशन लेके आ रहा हूं, कल फिगर के साथ मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, याद रखना मेरे भाई। विच मेथड विल बी द हेल्पफुल इन establishing relation between circumference and diameter of a circle, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी सहायक होगी, है ना, कौन सी विधि सहायक होगी। संश्लेषण होगी नहीं, प्रयोगात्मक हो सकती है, आगमन हो सकती है, लेकिन सबसे सही यहां पे प्रदर्शन यहां पे भी होगा मेरे भाई, याद रखा, डिमॉन्स्ट्रेशन में से दिखा के उसको समाएंगे सबसे अच्छा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा, मेरे दोस्त, याद रखना। और ये है आपका होमवर्क का सेशन, इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। जितने भी दोस्त इस समय मुझे लाइव देख पा रहे हो, इस सवाल का कमेंट करके मुझे जरूर जवाब देना। जी हाँ मेरे भाई, एम करता हूँ, अभी लगभग 175 लोग देख रहे हो, मुझे 100 कमेंट्स चाहिए। कितने कमेंट्स चाहिए? मुझे 100 कमेंट्स चाहिए इस वीडियो पर, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, सभी लोग आइए कल। और कल एक्सप्लेनेशन विद फिगर करने वाला हूं, एक्सप्लेनेशन विद फिगर करने वाला हूं, फिगर के साथ एक्सप्लेनेशन होगा कल, तो सभी लोग जुड़िएगा 11 बजे से लेके 12 बजे तक। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन बढ़िया से समझ में आया होगा मेरे भाई। D++SB का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, D++SB नेचुरल साइंस का बैच 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, D++SB क्रैश कोर्स प्लस MCQs बैच 5 तारीख से शुरू हो रहा है। इन बैचेस देखो मेरे भाई, ये PRT सेक्शन ए और TGT सेक्शन ए के लिए है। Y256 हमारा कोड लगाएंगे तो आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, आज ही Adda247 का ऐप इंस्टॉल करिए, Y256 हमारा कोड लगाइए, 77% का डिस्काउंट पाइए, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं RS तिवारी लेता हूँ आप लोगों से विदा। बिल्कुल PDF में इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपको ज़रूर मिलेगी। इस सवाल का कमेंट करके जवाब दीजिएगा, मुझे 100 से ज़्यादा कमेंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कल 11 बजे 300 लोगों का सपना पूरा करना है, याद रखना मेरे भाई, 300 लोगों तक मेरी बात पहुंचानी है। इन्हीं बातों के साथ मैं RS तिवारी लेता हूं आप लोगों से विदा। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Adda247 चैनल। ऑल्सो डाउनलोड Adda247 ऐप। Don't forget to like.